सत श्री अकाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता कि तुम सब ठीक होवोगे। अज आप इस वीडियो में गल करांगे ई पे लर्निंग जिहड़ा ऐप हैगा उहदी रजिस्ट्रेशन बारे, किदां किदां आपां रजिस्ट्रेशन करना गा, किहड़े किहड़े उहदे च स्टैप हैगे आ, उह सब आपां इस वीडियो दे विच कवर करांगे। सो वीडियो नूं शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखियो तां जो तुहानूं कंप्लीट इनफॉर्मेशन मिल सके। ज़्यादा समां ना गवांदे होए चलो शुरू करदे आ अज दी वीडियो। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद epaylearning.com लिखेंगे और ध्यान रखना आप जो स्पेस है इसमें वो स्पेस नहीं आएगा, सीधा epaylearning.com। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, वो फर्स्ट वाले चूज कर लेना है। उसके बाद ये 3 डॉट, फिर रजिस्टर पर क्लिक करके आप जो अपना अकाउंट है रजिस्टर करवाएंगे। जहाँ पर ये फ्री रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे आप अपना पैक सिलेक्ट कर सकते हो और जो स्पॉन्सर आईडी है वो आप जिसकी भी आईडी लोगे स्पॉन्सर करने के लिए वो आप भरोगे। फर्स्ट अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कि तेज, फिर लास्ट नेम सिंह, उसके बाद आपने बैंक अपना जो भी बैंक है आपका वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी जो कैनरा बैंक है वो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ब्रांच नेम होता है वो आपको बुक में मिल जाएगा, जो आपकी बैंक बुक है उसमें। फिर अकाउंट टाइप, जो भी आपका अकाउंट टाइप है सेविंग करंट, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर है जो वो आप अकाउंट नंबर आप फिल करोगे। उसके बाद जो करंट होल्डर नेम है जैसे कि तेज सिंह, और IFSC कोड है वो आपको आपकी बुक से मिल जाएगा। उसके बाद में आपको स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपका सिटी नेम हो गया जैसे हनुमानगढ़। उसके बाद आपने एड्रेस अपना जो भी है वो फिल कर लेना है, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर। उसके बाद आपने ब्लू वाले बटन से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप मेंबर आईडी, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में से आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको जो फर्स्ट लुक है वो ऐसी आएगी। फिर आपको मोबाइल नंबर भरना है, ये जो पासवर्ड है वो आप जो आपको मैसेज आया था वो आईडी वाला वहाँ से लेना है, जो आपके यूअर पासवर्ड है ना वो यहीं से आपको पासवर्ड भरना है। इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा और यहाँ से आप जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सभी कोर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनके नोट्स वगैरह, जैसे कि बैंक क्लर्क का सब्जेक्ट हो गए वो आपको बायो, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज को ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैं रीजनिंग पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप जो रीजनिंग के आपका जो भी नोट्स हैं वो आपको खुल जाएंगे और आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो ये था, उम्मीद करता वीडियो थोड़ी चंगी लगी होगी। जे वीडियो चंगी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो ता जो थोड़ा इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगे फ्यूचर के मिलदिया रहन। धन्यवाद।